वालेकुम दोस्तों क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे तो दोस्तों जो रिश्ता आज का मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक बेवा खातून का रिश्ता है और ए, उन अफराद के लिए है जिनकी उम्र साठ साल तक हो तो ये जो खातून है इनका नाम है जायरा बीबी जायरा जो हैं बेवा हैं शोहर का इंतकाल हो गया है तीन साल हो गए हैं शोहर को दुनिया से गए हुए उम्र जो है दायरा की वो इस वक्त उनचास साल है फोटी नाइन ईयर्स एक जो है इनकी बेटी भी है और वो शादी शुदा है यानी कि उसकी शादी अभी जो है तकरीबन तीन माह पहले इन्होंने उसकी शादी कर दी है और वो अपने घर की हो चुकी है तो अभी जो हैं ये ज़ायरा जो हैं अकेली ही रहती हैं अपना घर है कारोबार है जो शोहर जो है इनके इंतकाल हो गए हैं उनका काफ़ी जो है कारोबार था प्रॉपर्टी थी जो है जो कि इन्हीं के वो पास है जिससे कि अच्छा ख़ासा इनका गुजारा हो जाता है जारा जो हैं अच्छी जो है पर्सनैलिटिड वमेन हैं पढ़ी लिखी हैं इनका इनकी तलीम मैट्रिक है और अच्छे इखलाक की मालिक हैं अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र साठ साल तक हो और वो पहली दूसरी या तीसरी शादी करना चाहते हों वो ये बात सुन लें अगर इस रिश्ते के लिए आपको जो है हमसे बात करना चाहते हैं तो पहले आप इस बात को मद्देनजर रख लें कि शादी के बाद आपको इनके साथ ही रहना होगा कराची सिटी में ये जो दायरा है कराची सिटी के रहने वाली हैं आपको वहीं पे रहना होगा यानी कि जिसे कहते हैं घर दामाद बनकर आपको जो है रहना होगा क्योंकि इनकी जो है प्रॉपर्टी वग़ैरह जो है उसको संभालने के लिए जो है जो है वो इनको जो है ये शादी कर रही हैं तो वो हमारे दोस्त जो शादी के बाद इनके साथ कराची में इनके घर पे रह सकें वही इनके साथ जो है रोज करें शादी के लिए तो मर्द उसकी उम्र साठ साल हो मुसलमान हो जात बरदरी कोई भी हो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो हमसे राबता कर सकता है इस फैमिली से जो है रबता करने के लिए हम आपको बहुत जल्दी से मिलवा देंगे तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं इनसे मिलना वो अपना मोबाइल नंबर और अपनी तमाम तफसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें हम बहुत जल्द आपसे रहा कर लेंगे अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लेकर आएगा इसी के साथ हमें इजाज़त दें अल्लाह हाफि